हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं मेहंदी कौन सी यूज़ करती हूँ और मैं कोन बनाने की पूरी प्रोसेस कैसे करती हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। ये वीडियो बहुत ही रिक्वायर्ड वीडियो है जो कि मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट आई थी कि मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊं। तो साथ में ही ये बिगनर्स के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि अगर आप इसमें कुछ ऐसी चीज़ें सीख रहे कुछ नई तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं यूज़ कर रही हूँ HK99 की मेहंदी। आप मार्केट में कोई भी मेहंदी यूज़ कर सकते हो, जैसे प्रेम दुल्हन की मेहंदी या HK99 जैसी कोई भी मेहंदी आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। मैं इस टाइप का एक चुन्नी यूज़ करती हूँ, दुपट्टा, जो कि मैं मेहंदी छानने के लिए यूज़ करती हूँ। मेहंदी को छान के ही आपको रिटर्न यूज़ करना है। पैकेट वाली मेहंदी एक बार और अपन को छाननी पड़ती है घर पे, ताकि उसमें कुछ भी ऐसा हो, कुछ मोटा या कुछ ऐसा हो तो वो इसमें आसानी से निकल जाए। और ये दुपट्टा इस टाइप का होना चाहिए। मैंने बहुत ही पास से अच्छे से दिखा दिया है आपको। तो ये वाला आप यूज़ करेंगे तो ये अच्छे से छन जाएगी मेहंदी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी मेहंदी छानने में। तो इस टाइप का दुपट्टा आप मेहंदी छानने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक चाहिएगा कंटेनर जिसमें आप मेहंदी गला के इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे ढक के, जो कि इस टाइप का आप ले सकते हैं, जिसमें एयर टाइट डिब्बा रहेगा तो गर्मी अच्छी मिल पाएगी मेहंदी को। इस वीडियो के एंड में मैं आपको देने वाली हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स कि मेहंदी का कलर्स कैसे डार्क हो सकता है और कैसे अपन मेहंदी का कलर डार्क कर सकते हैं। अब मैंने इस मेहंदी को पहले से छान रखा है एक बॉल में, मेहंदी पहले से छान के रखी है ताकि इजीली मैं आपको ये मेहंदी गलाने की प्रोसेस बता पाऊँ। तो अब मैं लूँगी कुछ मेहंदी कंटेनर में, जितने कोण मेरे को बनाने हैं अपनी क्वांटिटी के हिसाब से। तो जितने आपको कोण बनाने हों उस हिसाब से आप मेहंदी अलग ले लें। तो मैं अभी 3 चम्मच, ये 4, मैं सोच रही हूँ 5 चम्मच मैं ले लेती हूँ ताकि कम नहीं पड़े और आपको भी मैं बता पाऊँ। इसमें 2-3 कोण आराम से मेरे बन जाएंगे। तो ये ले लिए मैंने मेहंदी। अब मैं इसमें लूँगी वॉम वाटर, गर्म पानी, मतलब गुनगुना पानी, गर्म पानी नहीं, गुनगुना पानी करके मैंने ये रख रखा है। मेहंदी में आप गुनगुना पानी डालेंगे तो मेहंदी का कलर थोड़ा अच्छा आएगा, तो आप गुनगुना पानी ही यूज़ करें मेहंदी के लिए। ठंडा पानी थोड़ा अवॉइड करें क्योंकि हर जगह ठंडा पानी नहीं चल पाता है, कहीं कहीं गुनगुना पानी अपन को ज़्यादा अच्छा रहता है और मेहंदी गर्मी मांगती है, तो उस हिसाब से अपन गुनगुना पानी डालेंगे ताकि उसमें कलर थोड़ा अच्छा आए। अब इसको हम लगा लेंगे आटे जैसा, टाइट टाइट, है ना, बिल्कुल पानी नहीं करना है और ना इसमें ज़्यादा अपन को पानी डालना है पहले से। धीरे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पानी अपन डालेंगे इसमें और इसको अपन बिल्कुल टाइट लगा लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अपन इसको टाइट टाइट लगाते हैं। अच्छा, तो ये तो मैं लगा रही हूँ, तब तक मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप बिगनर्स है तो पानी बहुत शांति से इसमें डालें, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि अपन ऐसा सोचते हैं कि नहीं चलेगा, इतना पानी हो जाएगा, बहुत बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं होगा, और अपन आराम से उसमें पानी डाल देते हैं। फिर क्या होता है कि बाद में मेहंदी बहुत टाइट हो जाती है, सॉरी 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 सॉरी, बहुत पतली हो जाती है। तो मेहंदी कि ये जो मैं अभी प्रोसेस कर रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि अपन जितना टाइट इसको अपन लगा सकते हैं, बस इसमें ये होनी चाहिए कि सारी मेहंदी पानी से गीली होनी चाहिए, अपन को ये चीज़ करनी है ना। तो बहुत थोड़ा थोड़ा पानी, क्योंकि यही प्रोसेस पूरी मेहंदी में सबसे इंपॉर्टेंट होती है मेरी नज़र में, क्योंकि अगर यहाँ मैंने बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया तो मेरी मेहंदी हो जाएगी बिल्कुल पतली, और पतली होने के बाद मैं उसको बहुत कितना ही एक्स्ट्रा मेहंदी इसमें सूखी मेहंदी मिला दूँ, मैं कितनी मिला दूँ, वो एक जैसी नहीं हो पाती और वो चीज़ बिगड़ जाती है पूरी। तो एक बार में जो बनती है वो चीज़ बहुत ही अच्छी बनती है। तो आप ये बिल्कुल ध्यान रखें कि आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी ही डालें, जैसे मैं डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। इसमें भले ही आपको 15 मिनट लगेंगे, पर ये प्रोसेस अगर आपने अच्छे से की है तो नेक्स्ट पे आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है। मतलब सिर्फ यही है जो आपको बहुत अच्छे से मन लगा के करनी है।
तो अच्छे से करना और ये अच्छी हो गई तो आपको कोई प्रॉब्लम आने ही नहीं वाली है। हाँ जी, तो मेरी हो चुकी है 80% प्रोसेस कंप्लीट, थोड़ी सी और बाकी है तो उसको मैं पूरा करती हूँ। ये मेरी थोड़ी सी मेहंदी अभी मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी सूखी है, तो मैं थोड़ा सा और पानी ले लेती हूँ। अब मैं ऐसा करती हूँ, इस प्रोसेस को थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, है ना। मैंने स्पीड थोड़ी सी वीडियो की बढ़ा दी है बिकॉज बहुत लंबी वीडियो हो रही थी और मेरे को आपको ये चीज़ पूरी बतानी थी कि मैं कैसे करती हूँ, क्योंकि ये अगर मैंने स्किप कर दी तो शायद आपको कहीं प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैं इसको स्किप नहीं कर रही हूँ, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रही हूँ इसकी। अब इसको मैं पूरा नीचे अपन पूरा एकदम एक जैसा लगा देंगे, प्लेन कर देंगे पूरा। तो देखिए मैं इसे कैसे प्लेन करती हूँ। इस पूरे कंटेनर में अपन को एक जैसा इसको लेना है, कहीं भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर कहीं से ऊंचा नीचा रह गया और फिर लास्ट में जब अपन इसमें पानी डालेंगे तो कहीं मेहंदी नहीं गलेगी तो वो थोड़ा प्रॉब्लम दे सकती है आपको, इसलिए एक जैसा प्लेन करना है इसको, जैसा मैं इसमें कर रही हूँ वीडियो में। मेहंदी गलाते वक्त तो कोई भी क्वांटिटी फिक्स नहीं होती है, ना पानी की ना तेल की, तो वो आपके ऊपर है आप कितना पानी और तेल डालते हैं। हाँ जी, तो मेरी तो हो चुकी है ये प्रोसेस पूरी। अब मैं इसमें करने वाली हूँ हॉल फिंगर से, ताकि मैं जो इसमें वॉर्म वाटर डालने वाली हूँ वो मेहंदी के अंदर तक जाए, उसे अच्छे से स्पेस मिल जाए, मेहंदी के ऊपर ऊपर वो पानी ना रहे। उससे क्या होगा, मेहंदी ऊपर ऊपर से तो पूरी अच्छे से हो जाएगी पर अंदर से नहीं हो पाएगी, तो इसलिए मैं इसमें हॉल कर रही हूँ ताकि मेहंदी के अंदर तक पानी जाए। तो ठीक है, डन हो गया। इसमें मैं ऊपर से डालने वाली हूँ शुगर, थोड़ी सी शुगर डालूँगी मैं क्वांटिटी के हिसाब से जो मेरे को सही लगती है। तो थोड़ी थोड़ी शुगर डालने से एक्चुअली क्या होता है कि शुगर डालने से अपने जो लाइंस के होती है, मतलब मेहंदी के जो तार अपन कहते हैं ना, वो अच्छे से बनते हैं और मेहंदी स्टे करती है थोड़ा टाइम तक, तो इसलिए शुगर डालते हैं। अगर आपको शुगर ठीक नहीं लगे तो आप नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, तो वो आपके ऊपर है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो मैं इसमें थोड़े 3-4 चम्मच पानी डाल देती हूँ। ये वॉर्म वाटर है जो मैंने पहले बताया था वही है। तो मैंने पानी अपन को इसमें इतना डालना है कि पूरी ऊपर ऊपर मेहंदी सारी गल जाए, पानी अपन को अच्छे से डालना है, अच्छे से बोले तो उतना उतना कि मेहंदी गल जाए, कहीं से भी मेहंदी सूखी नहीं रहनी चाहिए, इस चीज़ का आप पूरा ध्यान रखना। तो ये हो गई ये प्रोसेस कंप्लीट, अपन इसको कर देते पैक और इसको रख देते अपन साइड में, इसको अपन 4-5 घंटे के लिए साइड में रख लेते ताकि इसका कलर अच्छा आ जाए। 4-5 घंटे आपको मैक्सिमम रखना है मेहंदी को, कलर लाना है तो, अगर कलर नहीं लाना है तो आप 1-2 घंटे भी अगर इसको रखते हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो इजीली। हाँ जी, तो एक नज़र डाल लेते हैं अपन इसके बाद यूज़ आने वाली सारी चीज़ों पे। इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि अपन ने जो मेहंदी में पानी और ऑयल और शुगर यूज़ की थी उसकी क्वांटिटी मेहंदी पर डिपेंड करती है जो कि आप लोगे। तब तक अपन देखते हैं कि मैंने ये क्या क्या चीज़ें रख रखी है। अपन को ये सब अभी आगे यूज़ होने वाली है, जिसमें है एक कोन। कोन बनाने के लिए मैं गिफ्ट पैकिंग की ट्रांसपेरेंट पन्ने लेती हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। कोन के साथ है उसे पैक करने के लिए धागा या टेप, आप दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। ये है तेल जो कि मैंने यूज़ किया है उज्जैन का वीर रत्न, ये तेल है जो कि मेरे को अच्छा लगता है और मेरे को अच्छा मतलब कलर भी दे देता है ये, मेरे को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है। इसके अलावा अगर आपको ये अवेलेबल नहीं हो पाए तो नीलगिरी का एक तेल है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही अच्छा तेल है, उससे बहुत ही अच्छा कलर आता है। इसके अलावा अगर आप बॉम्बे के आसपास रहते हैं या फिर बॉम्बे से मंगवाना प्रीफर कर सकते हैं तो वहाँ पे एक आफरीन का तेल आता है जो कि मेहंदी में बहुत ही अच्छा कलर देता है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप मिक्स तेल भी यूज़ कर सकते हो, जिसे आप मिक्स करके यूज़ कर सकते हो, तो वो आपके ऊपर है, टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो तेल के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, तेल आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो ये मैंने एक पॉलीथीन ले ली है
तो इसमें मैं मेहंदी स्टोर कर लूँगी। पॉलीथीन ये आप फाल की पन्नी या दूध की पन्नी ले सकते हैं जिसमें हम मेहंदी को स्टोर करके रखने वाले हैं। तो ये हो गई अपनी पूरी प्रोसेस। शायद आपको मिक्स ऑयल का मतलब कभी नहीं समझ आया हो तो मैं आपको बता देती हूँ। वो मिक्स ऑयल से मतलब था कि नीलगिरी का तेल या जो भी आपके पास ऑयल हो उन सबको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मिक्स करके आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तीन चीज़ मैंने ले रखी है जैसे आपको मेहंदी छाननी है। अब ये है अपन नॉर्मली जो स्किन टाइप के मोजे अपन पहनते हैं ये आपको मार्केट में इजीली 20 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाएंगे। इसमें मैंने एक नॉट लगाई है ताकि मेहंदी इधर उधर ना जाए और इक्वल हो और इजीली खाली हो जाए। तो देखिए ये प्रोसेस थोड़ी सी टफ रहेगी अगर आप नए हैं तो मैंने इसमें थैली डाली है और फिर मैंने ये मोजे को डाला है। थैली को और मोजे को दोनों को एक तरह से आपको गिलास में कवर करना है, गिलास को पूरा कवर करना है ताकि आप इसमें मेहंदी डाल सको। मेहंदी को हो गए हमारे 6.5 आवर्स क्योंकि मेरे को इसमें कलर लेके आना है और कलर लाने के लिए मैंने इसे अच्छे से गलाया है। अब मैंने जो पानी इसमें ऊपर से डाला था उसका हो गया है कलर चेंज और मेहंदी भी काफ़ी अच्छे से गल चुकी है जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से मेहंदी गल चुकी है। बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। वाव। तो अगर आपने जो पानी की क्वांटिटी इसमें डाली है ऊपर से अगर आपकी वो ज़्यादा होती है तो आप इसमें एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं। ये मिक्स करने से पहले आपको पानी को एक्स्ट्रा निकालना है, उसके बाद मिक्स करना है। मेरे को मेरी पानी की क्वांटिटी इक्वल लग रही थी इसलिए मैंने मिक्स कर लिया है। इस वक्त आपको डालना है ऑयल अगर आपको मेहंदी में कलर लेके आना है। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मेहंदी यूज़ कर रहे हैं तो आप ऑयल नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, पर अगर आपको मेहंदी में कलर लेके आना है तो आप ऑयल इस वक्त डाल सकते हैं। ठीक है, ओके। तो आप करेंगे अपन इसको अच्छे से मिक्स। इसमें जितने भी बबल्स है उसको अपन ख़त्म करेंगे और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको अपन को बहुत फाइन पेस्ट बनाना है तो जितना अच्छे से आप इसको मिक्स कर सकते हो उतना अच्छे से इसे मिक्स करना ताकि आपकी मेहंदी उतनी ही अच्छी बन सके। तो ये हो चुकी है कम्प्लीट और ये बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ बहुत ही अच्छी लग रही है। इस वीडियो में आपको कोई भी परेशानी हो या कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ आई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हाँ जी, तो मेरी हो चुकी है ये प्रोसेस कंप्लीट। तो चलिए जल्दी से आगे चलते हैं। इस ग्लास को हमने कर रखा था पहले से रेडी, अब इसमें अपन डालते हैं मेहंदी। सारी मेहंदी अपन को इसमें डालनी है तो मैंने इसमें मेहंदी डाल दी है। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में हल्का सा कलर आ गया है, मतलब इतनी सी देर में इतना कलर, तो मतलब आगे बहुत सारा कलर मिलने वाला है। अब अपन इसे करेंगे पूरा ये प्रोसेस अच्छे से देखना कि मैंने इसमें रिटर्न कैसे छाना है। मैंने अपनी मेहंदी को 2 बार छाना है ताकि मेरी मेहंदी में कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी मतलब दाने या ऐसी कोई परेशानी नहीं आए और मेरी मेहंदी बहुत ही अच्छे से चले और बहुत बारीकी से चल पाए। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि मैंने मेहंदी मोजे में खाली की थी, अब डबल छानने के लिए अपन को थैली में से मोजे को बाहर निकालना पड़ेगा और मेहंदी को थैली के अंदर रखना है। तो एक हाथ से थैली को और मोजे को पकड़ना और दूसरे हाथ से मोजे को खींचना है। ये आपको वैसे इसमें अच्छे से समझ आ जाएगा, मुझे नहीं लगता कोई इसमें आपको ऐसी दिक्कत आने वाली है, पर हाँ एक बार आप इसको क्लियर देखें तो आपको ये ईजीली समझ आ जाएगा। अब मैं कर देती हूँ इसको जल्दी से पैक। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। मैंने लिए गिफ्ट पैकिंग की ट्रांसपेरेंट पन्नी जो कि मैं कोन बनाने में यूज़ करती हूँ। मैंने कोन बना के रख रखा है। एक कोन बनाने के लिए मैं पन्नी की साइज़ कुछ इतनी बड़ी बड़ी रखती हूँ। मैंने ये कुछ काउंट नहीं की कितनी बड़ी रहती है तो ये देख के मैं आपको बताऊँगी। चलिए तो नेक्स्ट प्रोसेस पर चलते हैं अपन। मैं इसको पैक कर देती हूँ फटाफट। नॉर्मली आप कोन को धागे से पैक कर सकते हैं पर मैं अभी धागे से पैक नहीं करके मैं इसे टेप से पैक करूँगी ताकि मैं आपको बता सकूँ कि टेप से पैक करना है तो आपको कैसे पैक करना है। मैंने मेहंदी को प्रॉपर नीचे तक ले लिया है और इसको कर दिया है कवर। अब मैं इसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर धागा बांध के इसको धागे से बांध सकती थी अगर आप
धागे से पैक करना चाहते हो तो आप इसे फोल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं टेप से करना चाहती हूँ, तो मैं छोटी साइड पे पहले टेप को लगाऊंगी, फेस को पैक करूंगी लाइक दिस। ये मैंने पैक कर दिया। छोटी साइड पे टेप लगाने के बाद सामने साइड पे चिपकाने के बाद मैंने ये प्रोसेस किया है। अब मैं यहाँ पर टेप लगा देती हूँ, एक टेप मैं ऐसे लगाऊंगी। टेप लगाने के तरीके को आप देख के सीखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मेरे बोलने से आपको एकदम नहीं समझ आएगा। टेप जैसे जैसे लगती जा रही है वैसे वैसे आपको समझ आता जा रहा होगा, क्लियर दिख रहा है स्क्रीन पे कौन अपना पैक हो रहा है। तब तक मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि आप अपनी मेहंदी में कलर कैसे अच्छे से लेके आएँ। तो उसके लिए आप यूज़ करें सरसों का तेल। सरसों का तेल आप अपने कस्टमर्स को लास्ट में लगाने के लिए कह सकते हैं, जिससे आपकी मेहंदी में और अच्छा कलर दिखे। तेल तो आपको अच्छा यूज़ करना ही है। नेक्स्ट आप विक्स यूज़ कर सकते हैं। विक्स यूज़ करने से भी कलर बहुत अच्छा आ सकता है। या तो सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं या विक्स यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अलावा आप ये नहीं यूज़ करना चाहते तो आप एक और लौंग यूज़ कर सकते हैं। लौंग को कूट के तवे पर रख के उसका सेक ले सकते हैं, तो वो भी आपके कलर को बहुत ही अच्छा बनाएगा, मेहंदी के कलर को बहुत ही अच्छा बनाएगा। तो देख सकते हैं आप, मेरा कोन रेडी हो चुका है और ये कितना सॉफ्ट कितना स्मूथ चल रहा है। ये चीज़ आपको तभी मिलेगी जब आप अपनी मेहंदी को डबल छान के यूज़ करेंगे। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया, एक मैंने मेहंदी गलाने से पहले छानी थी, एक मैंने गलाने के बाद छानी थी। तो आप अगर अपनी मेहंदी की प्रोसेस, गलाने की प्रोसेस आप पूरी अगर ऐसी करते हैं तो आपको भी ये रिज़ल्ट बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो देख सकते हैं बिल्कुल मेरी मेहंदी बहुत ही सॉफ्ट बहुत ही स्मूथ चल रही थी और बहुत ही क्लियर मेरे इसमें सब डिज़ाइन दिख रही है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। मैंने आपको इसमें मेहंदी के कलर को अच्छे से दिखाने की भी ट्रिक्स बता दिए, दो तीन ट्रिक्स मैंने आपको बताई है। आपको उसमें से कौन सी ट्रिक अच्छी लगी है और आपके पास और कौन सी ट्रिक्स है वो भी मेरे साथ शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए लेफ्ट या राइट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।